बालों को मजबूत भी बनाना है, लंबा भी बनाना है, लेकिन ओनियन का यूज़ नहीं करना है। करना तो चाहते हैं लेकिन ओनियन में से स्मेल आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कि वो स्ट्रॉन्ग 2-3 दिन के लिए बालों में अटक के रह जाती है, जब तक कि आप नेक्स्ट हेयर वॉश नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियों का ये भी कहना है कि उनके घर में प्याज का यूज नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ओनियन तो लगा तो लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता, उसका साइड इफेक्ट उनको मिल जाता है, क्योंकि ओनियन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, जब आप उसको अपने वीक बालों पे लगाएंगे ना तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका साइड इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल है, ये रातों रात, यकीन मानिए रातों रात आपके बालों को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि अगर आप ऐसे खींचेंगे ना तो भी आपके बाल नहीं निकलेंगे। ये रातों रात आपके बालों को लंबा बना सकता है। लेकिन वो लोग क्या करें, क्या करें वो लोग जो इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यूज करना चाहते हैं लेकिन रीजन बहुत सारे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ओनियन का सब्स्टिट्यूट। ओनियन नहीं लगा पा रहे हैं ना तो ये लगाइए ना जो आज देने जा रही हूँ, ओनियन से कहीं ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो आपको करना ही क्या है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब बहुत सारी लड़कियों को मेरा ये वाला जो सूट है वो पसंद आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो इतना अट्रैक्टिव है, आप इसको समर में किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। पार्टी वेयर सूट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका शॉपिंग होल दा कुसुम चैनल पे है, जाइए चेक कीजिए और उसको भी देखिए। तो आज का जो DIY है उसको बनाने के लिए आपको चाहिए पैन, पैन के अंदर 1 गिलास पानी और 2 गिलास इसके अंदर आपको डालना है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो ये चमकीले बीज हैं, इनके बारे में बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता है, हिंदी में इसको अलसी के बीज बोलते हैं। स्टोर पे जाइए, भैया को बोलिए कि मुझे अलसी के बीज चाहिए, वो अपने आप दे देगा, ठीक है ना। अलसी के अंदर भी सल्फर होता है, क्या आपको पता थी ये बात, बिल्कुल भी नहीं पता होगी। हाँ, जितना सल्फर ओनियन के अंदर होता है ना उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसके अंदर सल्फर जरूर होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड 6 और 9 भी होता है, जो आपके बालों को मोटा बनाएगा। ये जो चमकीले बीज है ना, ये आपके बालों को भी चमकीला बना सकते हैं, सुनहरी बना सकते हैं, मखमली बना सकते हैं, सिल्की बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 मुहे बालों की काफ़ी भरमार आपके बालों में हो गई है, उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे फ्लैक्सीड का सहारा ले सकते हैं। ये फ्लैक्सीड आपके बालों को रातों रात स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपके बालों को लंबा बना सकते हैं और आपकी हेयर प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में शोर कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प को भी ट्रीट कर सकता है, ये आपके डैंड्रफ को भी क्योर कर सकता है, इसके अनगिनत फायदे हैं। जब आप फ्लैक्सीड लगाना शुरू करेंगे ना तो तभी के तभी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो 1 गिलास के अंदर आपको 2 चम्मच फ्लैक्सीड, बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं कि उनका जो जेल है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, तो आपको क्या करना है, लो फ्लेम के ऊपर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है और इसके अंदर झाग अच्छे तरीके से बनने देना है। जब तक झाग बनेगा समझिए कि आपका जो जेल है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट है इसके अंदर आपको डालना है, इसकी गुणवत्ता को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, आपके ग्रे बालों को ब्लैक बनाने के लिए करेलियुज। करेलियुज के अंदर बीटा कैरेटीन, सबको पता है यार, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी कोई नया आता है चैनल पे, जिसको भी पता नहीं होता है कि भाई करेलियुज क्या काम करेगा, इसके अंदर एग्जैक्ट है क्या, उनके लिए मैं हल्का हल्का बताती चलती हूँ कि इनके अंदर कौन से वाइटमिन है, कौन से मिनरल्स हैं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और आप इसको लगा पाए। तो करेलियुज साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और साउथ इंडियन लोगों के जो बाल हैं वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, किसी के भी उड़े हुए नहीं होते हैं और बहुत लंबे लंबे और बहुत घने घने होते हैं। तो सेम वैसे ही ये करेलियुज आपके बालों को भी अच्छा, बेहतर और बिल्कुल शाइनी बना सकता है और मोटा बना सकता है। सिर्फ 5 या 10 लेज आपको डाल देनी है, अच्छे से उबाल लेना है। आपका जो ये जेल है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में बनेगा क्योंकि करेलियुज डाला है। फिर आपको क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है, जैसे आपको लगता है कि आपका जेल बन के तैयार है। फिर आपको इसे गर्म गर्म ही स्टेन करना है, इसको ठंडा करके स्टेन आपको नहीं करना है, दिक्कत आएगी। आप इसको छन्नी की मदद से, जरूरी नहीं कि आप कोई मखमल का कपड़ा लेके आए उसके साथ छाने, छन्नी के साथ भी बड़े आराम से छन जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, कपड़ा वपड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना उस पे से फिर निकल नहीं पाता, ये स्टेन लग जाता है कपड़े के ऊपर, तो सिर्फ छन्नी के साथ आराम से छन जाएगा। और ये आपका बनके तैयार है जेल, और ये ओनियन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर आपके बालों पे काम करेगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर आपको डालना है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, लेकिन जो ये दूसरे ऑयल है ना, जैसे कि शांति आंवला है, डाबर आंवला है, ये ऑयल आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक ऑयल है, जैसे कि सरसों का तेल है, जैसे कि ये मैं अभी कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, इस तरीके का कोई भी ऑयल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 चम्मच आपको डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, और ये आपका कुछ इस तरीके की क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ आया कैसे बनाना है? तो इसी तरीके से आपको आज
DIY बना के और लगाना है और मेरे साथ आपका फीडबैक शेयर करना है, मुझे आपका रिजल्ट्स देखना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं लगाना कैसे है। तो आपको बालों पे ऑयलिंग करनी है कर लीजिए, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं क्योंकि ऑयल हमने इसके अंदर डाला है। तो ये जेल आपको लेना है और बिल्कुल अच्छे से अपने बालों पे लगा लेना है, हर एक सेंट के ऊपर आपको लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है, पूरी हेयर लेंथ पे लगाना है। यकीन मानिए आप जब इसको लगा के वॉश करेंगे ना तो आपके बाल बिल्कुल मखमली हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल है, अगर आपको लगता है कि आपके 100 बाल गिरते हैं तो इसको लगाने के बाद आपके कम से कम 70 बाल गिरेंगे, मतलब कि 30 बाल आपके स्कैल्प पे ही रहेंगे। ये इतना स्ट्रोंग है और जैसे ओनियन आपके बालों को स्ट्रोंग बनाता है ना, सेम वैसे ही ये आपके बालों को स्ट्रोंग बनाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से पूरी हेयर लेंथ पे अच्छे से मसाज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, सिंपल आप लगा के और इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, मैंने अपने पूरे बालों पे लगा लिया है, लगा के आपको जूड़ा बना लेना है और जूड़ा बनाने के बाद आपको शावर कैप के साथ कवर कर लेना है क्योंकि जो फ्लैक्सीड है वो सूख जाता है और फिर उसको बालों से निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आज नहीं पहले, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि शावर कैप लगाना काफ़ी ज़रूरी है। ये थोड़ा सा ढीला रहेगा और आसानी से आपके बालों में से ये निकल जाएगा। रखना कितनी देर है ना, आप इसको पूरी रात भर नहीं रख सकते हैं, आप इसको सिर्फ 2 घंटे रख सकते हैं। आप 2 घंटे तो इसको रखेंगे ही रखेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो आप संडे का दिन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 घंटे ये आपकी स्कैल्प को मजबूती देगा और ये आपके 2 मुहे बालों को और जितने भी बालों की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से ट्रीट करेगा। एटलीस्ट 2 घंटे तक लगा के रखना है और उसके बाद आपको शैम्पू कर देना है। शैम्पू करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद मुझे बताएंगे कि रिजल्ट्स कैसा रहा है। फिर भी आप मेरे बालों में रिजल्ट्स देख सकते हैं, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, स्ट्रेट भी लग रहे हैं, शाइनी भी लग रहे हैं, यू नो हेयर फॉल भी इसको लगाने के बाद काफ़ी कम हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप ओनियन का यूज़ नहीं करते हैं या फिर वैसे भी अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका यूज आप करके देखिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए। गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में आपको 3 बार तो हेयर वॉश करना ही चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है, पसीना आता है तो डैंड्रफ आता है, डैंड्रफ आता है तो हेयर फॉल होता है। तो 3 बार एटलीस्ट अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों में स्मेल नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा, डैंड्रफ नहीं आएगा। तो इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, जैसा भी फीडबैक है हमेशा शेयर कीजिएगा। कुर्ते का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वीडियो देख रहे हैं इस पर टच करना है, नीचे व्यू प्रोडक्ट्स आ जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट निकल आएंगे, आप इनमें से परचेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।